सो हाय गेमर्स, तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। एंड आपको तो याद होगा कि पिछली बार हमने बनाया था अपने एनिमल के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा वाला फार्म, जो कि आप देख ही पा रहे हो। एंड मैंने ऑफलाइन में थोड़ी सी माइनिंग करी थी, तो पीछे आप देख पा रहे हो कितने सारे भाई एनिमल आपको दिख रहे होंगे। एंड यहाँ पे देखो, मैंने एक और आपके लिए सरप्राइज रख रखा है, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, इसे एंड तक देखना। एंड यार आज अपने लिए एक बहुत बहुत अच्छा वाला, देखो मैंने अपने एनिमल के लिए तो घर बना दिया, बट मुझे भी तो घर चाहिए ना, तो मैं आज बनाने वाला एक बहुत अच्छा वाला ओसम सा घर बनाने वाला हूँ। एंड हाँ, मेरे कपड़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना, जो मेरे पुराने वाले अच्छे से कपड़े थे ना, वो कुछ चुरा के ले गया। अब देखो, आपको पता ही है कोई भी इंसान है जो माइनक्राफ्ट में आता है, वो खुला आम तौर से घूम भी नहीं सकता है, तो यार घर तो चाहिए ही होगा भाई, चाहिए तो चाहिए भाई। और मैंने आपके लिए दो सरप्राइज भी रख रखे भाई, वो काफ़ी मस्त, आपको शायद ही देख के अच्छा लगेगा, बाकी देखते यार क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वन ब्लॉक की जर्नी को। तो पहले तो अभी ये मेरा फार्म देख सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे एनिमल भरे पड़े हैं, अगर और ज़्यादा होगा तो भाई एक एक करके मरते रहेंगे, मेरे को ऑटोमेटिक सामान मिलता रहेगा। एंड गाइज, यहाँ पे मैंने एक ट्री फार्म भी बना दिया, ये देखो, मतलब ऑटोमेटिक नहीं है, मेरे को तोड़ना है, बट यहाँ पे काफ़ी है। मैंने एक छोटा सा लैंड बना के वहाँ पे ट्री सैपलिंग्स उगा दिए, उगते रहेंगे। एंड यहाँ पे ये सबसे बड़ा सरप्राइज है, मैंने फेस बदल दिया भाई, मैंने काफ़ी माइनिंग करी थी इस फेस को बदलने के लिए, कॉबलस्टोन आ गया, तो इससे अब अपना घर बनाने वाले हैं, मतलब वुड भी यूज़ होगा और कॉबलस्टोन भी, काफ़ी सारा मटेरियल्स लगेगा। एंड ये अभी केव वाला फेस है, तो भाई मज़ा आने वाला है, इसमें क्रीपर व्यूपर भी स्पॉन होंगे, तो भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल झेलनी पड़ेगी। क्या जो हमारा फेस बदला है ना, मैंने एक बार भी एक भी स्टोन नहीं तोड़ा, मतलब मैं आपको दिखाना चाहता था भाई, आपके सामने से स्टोन तोड़ूंगा भाई, आपको झूठ नहीं लगना चाहिए यार, कोई कहता है ऐसे ही। चलो अब तोड़ते देखते मेरे को पहले स्टोन के बाद क्या मिलता है। तो तोड़ा, एंड अब यार यही किस्मत थी क्या मेरी, ये गंदी सी स्पाइडर, अबे भगजत मेरी वीडियो की शुरुआत में आ गई, दिन खराब होगा, पता नहीं कैसा बीतेगा दिन, क्रीपर आके फूट जाएगा मुंह पे, पता नहीं, मेरे को तो यही लग रहा है। भग ये स्ट्रिंग मिली, मेरे ख्याल से काम आएगी हमें बेड बनाने में, वैसे मेरे पास सी भी बहुत आयरन मिलेगा, तो मज़ा आ जाएगा, सीयर से वूल, वूल से बेड, भाई सो पाएंगे वन ब्लॉक में। एंड ओके, मतलब माइनक्राफ्ट भी आएगी ना इसमें, इसलिए मेरे को वुड प्लैंक्स भी मिले। एंड चेस्ट चेस्ट, ओ भाई इतनी ओपी लूट भाई, यहाँ पे मेरे को आयरन की स्वॉर्ड मिली है, दो आयरन इंगट, जिससे मैं भाई सीयर बना सकता हूँ, एंड बिग पोटैटो मिल गया भाई, खाने का इंतजाम तो ऐसे ही हो गया भाई, ओपी भाई, ओपी कैसे रख दूँ मैं। चलो अब इस चेस्ट को तोड़ते हैं एंड आगे देखते हैं मेरे को क्या मिलेगा। ओके, यहाँ पे एंडर साइड आ गया है, केव का, तो केव में जितनी भी चीज़ें हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो भी मिलने, ओके जो माइनसाफ में जो फैंस होते हैं ना, आपको पता है वो भी मिली, देखा हर चीज़ मिलेगी, ये माइनसाफ का भी वुड प्लैंक भी आ गया, चलो बढ़िया ही है यार। एंड कोल भाई, कोल भी मिल गया, चलो ये मस्त कोल है, अब इसे तोड़ लेते हैं, कोल भी आ गया, एंड ग्रास भी आ रहे हैं, मतलब केव में डर्ट भी हो गया, तो डर्ट भी आ रही है भाई। एंड कोल आ गया, स्टोन आ गया, मैं काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगने वाला उस हाउस के लिए, बट मैं अभी अपने लिए थोड़ा सा माइन कर लेता हूँ, मटेरियल का भी थोड़ी देर बात कर लेंगे। ओके, डायोराइट भी आ गया, ओके एक और चेस्ट आ गई है मेरे पास, देखते इसमें क्या ऑसम सी चीज़ हो यार। ओम भाई, फिर से वही वाली चेस्ट यार, सही है, चार आयरन हो गए मेरे पास। एंड यहाँ पे एक स्वर तो आई गई है, एंड बेट पट मैं लेना क्यों भूल रहा हूँ यार, ले लिया भाई, काफ़ी ज़्यादा खाना हो चुका है हमारे पास अभी, तो इस सारी चेस्ट को भी तोड़ते हैं एंड देखते हैं हमें आगे क्या मिलने वाला है। तोड़ते भाई, ऐसी ओपी ओपी चीज़ें मिलती रहना भाई, किसी चेस्ट में भाई पूरे डायमंड ब्लॉक भर दो भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके, वुड प्लैंक्स तोड़ते हैं यहाँ से, एंड फिर स्टोन तोड़ते हैं। ओके, तोड़ो 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 तोड़ो, यार आयरन नहीं आ रहा यार, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, आयरन, ओके भाई आयरन आ गया, मैं तो कहीं और ही मुलगुल हो रहा था, बताई आयरन आ भी गया, तो मैं स्टोन पीएस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई वही लगने वाला है। एक काम करता हूँ ना यार, मेरे पास आयरन भर के पड़ा है, मैं क्या करूँ, आयरन की पीकेस बना लेता हूँ, है ना, आयरन तो आई है, उसे स्मेल्ट करेंगे तो सीयर बन जाएगी, और स्टोन की एक्स बनाई है, मेरे पास अभी आयरन नहीं बचा इतना, ठीक है। तो यहाँ से वुडन पीकेस से तो मैं माइन कर नहीं रहा हूँ, एंड रात भी हो रही है यार, मेरे को सीयर बनाने लेनी चाहिए थी यार, छोड़ो यार, नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मॉब स्पॉन वैसे भी मेरे ख्याल से नहीं होंगे, मैं टॉर्च लगा दूंगा हो सके तो, वरना नहीं लगाऊंगा ही। तो चलो यहाँ से मैं सारा जो बेकार का सामान रख देता हूँ, कभी क्या पता मैं रात में ऐसे भटकते भटकते गिर जाऊँ नीचे, और जितना ही माइन करा है वो बेकार जाए। ओके, मेरे पास यहाँ अभी सारा कूड़ा ही है, चलो माइन करते इसे। और ये यार मेरे साथ ही ऐसा होता है यार, ये तो बड़े गंदे लोग हैं। ओके, यहाँ पे और तोड़ते रहते हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ होप कि मेरे को आयरन मिल जाए, क्योंकि मेरे को सीयर बनानी है, रात हो रही है, मतलब शाम हो चुकी है। और ओके, एक चेस्ट आई, प्लीज़ आयरन वाली चेस्ट हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को वही वाली चेस्ट। ओ भाई मेरी बात सुन लेता है ये चेस्ट, भाई मेरा आयरन इंगट और स्वर्ड एंड आलू तो भाई साहब स्टैक बनने वाला है यार, यहीं पे कोई वो गॉड है क्या भाई यहाँ पे कहीं, भाई मेरी बात सुन रहा है कोई, मेरे को डर लग रहा है भाई, कोई कोई तो है भाई यहाँ पे, चलो छोड़ो भाई, यहाँ से मैं सिया बना रहा हूँ। एंड भाई रात भी इसी वक्त हुई भाई,
कुछ तो गड़बड़ है भाई। चलो भाई अब मैं यहाँ से शेयर वो करता हूँ, और शेयर वो करो, अरे शेयर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वूल ले लो शेयर से भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। और मैंने भाई अपना आयरन एकदम बेकार बना रखा मैंने अपना फार्म यार। मैं अंदर कैसे जाऊँ, ये यहीं से शेयर कर रहा हूँ भाई, किसी तरह मैं अंदर से वूल लेके आऊँगा। एंड मैं छोटा कैसे कर रहा हूँ भाई, मैं पागल वागल हूँ क्या यार, चलना पड़ेगा मेरे को अंदर किसी तरह। तो चलो गाइस यहाँ पे मैं अंदर आ चुका किसी भी तरह, एंड यहाँ से अब मेरे को वूल मिल चुकी है, वो भी 6 आई मीन मतलब इतनी काफ़ी होगी ना। चलते अब यार, हट जाओ यार प्लीज़ हट जा। ओके भाई भाई प्लीज, ओ भाई मैं तो बात सा हूँ भाई, देखो यार ओपी लिखो यार। चलो भाई अब यहाँ से मैं बना लेता हूँ अपना बेड भाई, मेरे पास वुड प्लैंक्स नहीं है, चलो वुड प्लैंक्स एंड ये बेड भाई। पहली बार वन ब्लॉक में सोऊंगा भाई। चलो भाई कहाँ लगाऊँ बिस्तर, ये लो भाई तुम्हें सीप तुमने ही दिया ना वो, अब तुम्हारे सामने सो रहा हूँ। यूई थैंक यू यार बेड देने के लिए, बेड तो मैंने खुद ही बनाया है, पर सही है। चलो सुबह हो चुकी है। A few moments later. तो कहीं यहाँ पे मैंने जो इतना सामान है ना, यहाँ पे पूरे जो चश्मे था वो वाले उस सारी चश्मे रख दिया, क्योंकि यार यहाँ पे क्रीपर वगैरह स्पॉन हो सकते हैं इस केव वाली फेज में, इसलिए मैंने कोई भी रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे सारा सामान है, जैसे पूरी चेस्ट मेरी यहाँ पे फुल हो चुकी है, मैं बस इतना सारा सामान आ चुका है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एंड यहाँ पे नहीं इतनी चेस्ट काफ़ी। चलो अब हमें माइनिंग भी करनी है, घर का सामान भी कलेक्ट करना है, बहुत काम है भाई अभी तो। तो चलते हैं यार माइनिंग करना शुरू करते हैं फिर से। अरे यार अभी मैंने कहा, मैंने अपनी चेस्ट वहाँ रखी है, यहाँ पे क्रीपर आके फूट गया यार। मैं तो उसे मार रहा था पर वो नीचे गिरा ही नहीं, और गिरा शायद था वो, बट इसलिए गिरते गिरते फूट गया भाई। सही है, अच्छा मैंने ये जो चेस्ट थी ना यहाँ पे रख दी थी भाई, देख रहे हो दिमाग मेरा। चलो यहाँ से थोड़ा सा कवर करूँगा, ताकि जब आए क्रीपर सीधा उसे नीचे धकेल दूंगा, है ना। यहाँ से थोड़ा सा ये खुला रहने देंगे ना, मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा इतना, नहीं इसे नहीं तोड़ने की जरूरत है, बस इतना काफ़ी है। फिर से माइनिंग करना शुरू करते हैं, ये भी तोड़ ही देता हूँ भाई, छोड़ो। अबे तू हट जा भाई, गिर गई, अबे गिर गई, ओ गिर गई भाई। चलो मैं खुश क्यों हो रहा हूँ भाई, पता नहीं वैसे मेरे फार्म में जगह नहीं थी, अच्छा हुआ। चलो फिर से माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं भाई। मैं तो चेस्ट को इग्नोर करने जा रहा था भाई, यहाँ पे तो इतना ओपी लूट मिल गई मेरे को, 2 एमराल्ड, 5 एरो मिल गई, 10 एरो हो गई, 1 बूट हो गया भाई ये तो जब। तो चलो ये भी चेस्ट कंप्लीट हो गई, क्रीपर ने एक काम तो अच्छा करा। तो रात हो रही है, मैं अभी जाके सोया था, एंड मैंने आपको बताया नहीं, मैं जंगल झाड़ में अपना बेड लगा लिया वहाँ से लाके, क्योंकि क्रीपर फूट सकता था तो मेरा पूरा बेड चूर चूर हो जाता, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया था, सो चुका हूँ। एंड फिर से चलते हैं माइनिंग करने की तरफ। तो गाई यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान कलेक्ट कर लिया है घर के लिए, एंड मेरे को 2 लग गए भाई सारा सामान कलेक्ट करने में। इस चीज में मेरा सारा सामान है, पर रियल लाइफ के 2 की बात कर रहा हूँ भाई, माइनक्राफ्ट के नहीं भाई। मेरे को बहुत टाइम लगा यार कलेक्ट करने में। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है, काफ़ी सारा कॉबलस्टोन है, एंड काफ़ी सारा वुड प्लैंक एंड फेंस। अब देखो गाइस यार घर बनाने के लिए मैं उड़ता घर तो बनाने नहीं वाला हूँ, तो मुझे क्या करना है, मेरे को एक पहले लैंड बनाना है। अब इस तरफ मैं लैंड बनाऊँ या इस तरफ, मैं इस तरफ बनाऊंगा लैंड। तो चलो अब लैंड बनाना अपना शुरू करते हैं। A few moments later. तो कहीं जो हमारा लैंड है वो बनके तैयार हो चुका है, तो बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं अपना घर।
जो घर है वो बन के तैयार हो चुका है। तो चलो यार मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, 1 2 3 एंड अभी नहीं दिखाऊंगा भाई, अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ, डिसलाइक मत करो। तो 1 2 3 एंड दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, चलो दिखाई देता हूँ। ये देखो भाई कितना मस्त घर है मेरा, मतलब भाई शेडर में और अच्छा लगता बट मैं लगाया नहीं है, बट यार कितना मस्त लग रहा है। एक बार देखो भाई वहाँ से, देखो ना यहाँ से क्या देख रहे हो, ये देखो कितना मैं बंगला सा लग रहा है, मैं सर्वाइवर वर्ल्ड जैसा। ये देखो यहाँ से एंट्री का रास्ता है, बस थोड़ा सा वहाँ खाई में है पर सही है भाई। देखो नीचे कितनी सारी जगह, वो टॉर्च मैंने लगाई है, लगा दूंगा यहाँ पे। जो गड्ढे देख पा रहे हो ना, यहाँ मैं वो ग्लास पेन लगाया था तो मेरे पास ओसन वाला फेस नहीं आता, मेरे पास सैंड भी नहीं आएगी, तो वेट करना पड़ेगा है ना। एंड यहाँ पे जगह की बात तो भाई है ही नहीं भाई, इतनी सारी जगह है। एंड यही नहीं यार, सिर्फ ऐसे कैसे मैं भाई, मेरे को 2 फ्लोर के घर पसंद है भाई, तो मैं यहाँ से ऊपर भी जा सकता हूँ है ना। एंड यहाँ से ऊपर जाके ये हमारी बालकनी है, जहाँ से एक तरफ से तो वाटर दिखता है, एक तरफ से हमारा आइलैंड दिख जाएगा। और ये देखो हमारा बान या जो हमारा फार्म है ना, वो थोड़ा छोटा लग रहा है इसके सामने। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फुल्लम स्पेस है भाई, एकदम मस्त वाला। यहाँ पे देख ही सकते हो भाई कितना बढ़िया सा स्पेस है। एंड यहाँ पर जो गेट है ना, आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पे मेरी बालकनी है बड़ी सी, यहाँ पे चाय पीऊँगा बैठ के। एंड सच में यार मेरा जो फार्म है ना, यहाँ से काफ़ी छोटा लग रहा है मेरे, जब मैंने अपने घर को बना दिया भाई। पर देखो भाई कितना मस्त है ना, ये देखो। एंड भैया पिद्दी सा फार्म यार, मैं इनके लिए यार बड़ा वाला घर बनाऊँगा, देखते रहना आगे आके बनाएंगे पक्का कभी और या फिर नहीं। अरे मजाक करो भाई, बना लेंगे। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, इस घर के लिए एक लाइक तो बनते यार, इतना घर मतलब मस्त बना दे। कमेंट बताना यार, हम अपने 1 ब्लॉक के पार्ट 4 में शायद, या पार्ट 3 था ना, तो पार्ट 4 में क्या कर सकते हैं कमेंट बताना। एंड ये हाउस कैसे लगा भाई वो तो बताना ही बताना, 10 में से रेटिंग दे देना क्या वो कैसे लगा। बाकी चाहे जो भी चैनल पे हो, चाहे वो सब्सक्राइब ही करके जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो मेरे से बातें करने के लिए, इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।